हेलो बच्चों, हम चैप्टर नंबर थर्ड कर रहे थे और उसका आज लास्ट पार्ट है। ये आज हम चैप्टर नंबर थर्ड फिनिश कर देंगे। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट कर रहे थे, ठीक है। पिछले चार पांच वीडियोस मैंने बना दिए हैं, ये लास्ट वीडियो है उसका, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने, तीन चार, वो आज अपन फिनिश करेंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 62 रह गया था, ठीक है। ये मैंने कल नहीं करवाया था, आज इसको फिनिश करते हैं, जो बच गए वो सारे आज करा देते हैं। तो देखो ये क्या है, ये मैंने क्यों नहीं छोड़ दिया था आपके लिए, आपके लिए फॉर्मूला आता है इसके अंदर, वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, आज मैंने वो फॉर्मूला देख कर ना फिर करवा लूँगा आपको। देखो ये क्या है, साइन 10, साइन कोस 20, ठीक है, साइन 30 एंड सोन, साइन 360। क्या देख रहे हो आप, ये जो एंगल्स हैं एपी में, क्या एंगल्स एपी में है ना। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म है 10, एक ही जगह तो 10 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितने का 10, 10 का डिफरेंस, तो डी के लिए 10 हो गई है ना। एक हमें एन नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, यहाँ से लेके आते कितने टर्म है, 10 से शुरू हुई 360 तक चली, तो मेरे ख्याल से एन निकाल दोगे 36। नहीं तो ऐसा कर लो, एन कैसे निकालते हो, ये तो लास्ट टर्म है, इसको मैं क्या करूँ 360 मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए की जगह 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, तो 360, तो 10 प्लस क्या होगा, 10 एन माइनस 10 360, 10 से 10 कट जाएगा, 10 एन बराबर 360, तो एन क्या होगा यहाँ पे 36 आएगा, तो एन के लिए 36 आएगी, तो 36 मैंने लिखे यहाँ पे, तो 36 36 टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन जैसे ये है ए, साइन ऑफ ए प्लस डी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, साइन ऑफ ए प्लस टू डी एंड सोन सोन, लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो एंगल है सारे एपी में, देखो है ना। तो जब साइन के एंगल एपी में हो और उन सब का सम करना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपने यही याद करना है, साइन एन इंटू डी बाई टू अपॉन में साइन डी बाई टू इंटू में साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी अपॉन टू, ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। तो देखो ए की जगह हमें 10 ले लेंगे, डी की जगह 10 ले लेंगे और एन की जगह 36 ले लेंगे। तो अपने पास जो है ना डायरेक्ट वैल्यू क्या आई, देखो साइन 10, साइन 20, साइन 30 एंड सोनिया क्या हुआ, साइन 360 करें स्टार्टअप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन डी, देखो एन डी है ना, एन एन का क्या होता है, एन 36 है, एन की जगह 36, डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, मतलब सब में वैल्यू रख देंगे, सीधी सी बात ये लो, ये रखेंगे साइन डी की जगह रखेंगे 10, 10 अपॉन टू हो जाएगा इंटू में साइन, यहाँ जाओ ए, ए कितने यहाँ पे 10, एन की जगह रखेंगे 36, 36 में 35 बचेगा, 35 इंटू 10, डी की जगह 10 है, 35 गुणा में 10 क्या होगा, 350 आ जाएगा अपॉन टू, ये ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कर देगा 180, साइन 180 देखो, साइन 5 आएगा, ये क्या होगा, साइन 360 अपन 2, 180 तो आएगा, साइन 180 क्या होता है, 0, तो 0 गुणा समथिंग के बाद 0 तो आंसर आएगा, तो इसके लिए क्या आएगी, बोलो 0 आएगी, ठीक है। तो इसके लिए 0 आएगी, ये आप देख लो, ये होगा 62 क्वेश्चन, अगर 63 मेरे ख्याल से आ गया ना समझ में, ये फॉर्मूला याद करो, इसमें ए एन और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 75 में, देखो ठीक है, क्या करते, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी से, मान लो ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया 90 डिग्री का, राइट एंगल में एक एंगल तो 90 का हो गया होगा, तो अगर ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए क्या बताओ, 180, सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो बी अगर 90 है तो यहाँ रखेंगे 90 को उधर ले आएंगे, तो क्या होगा, 180 माइनस 90 का होगा 90 तो बचेगा, तो इनका जोड़ भी 180 आ जाएगा, ए और सी का सम कितना है, 180, ठीक है। तो एंगल सी क्या बताओ, 90 माइनस ए होगा कि नहीं होगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर ए तो यूँ का, साइन स्क्वायर बी, बी की जगह क्या है, 90 डिग्री है,
बिग क्या है 90 डिग्री है, तो बिग 90 लिख दूंगा। साइन 90 क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए देखो ए की जगह लिख दूं मैं, ए तो चलो यूँ की साइन स्क्वायर सी, सी की जगह लिख दूं 90 माइनस ए, बोलो भाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये क्या होगा 90 में से ए घटाओगे तो क्या होगा, चेंज होगा ना साइन कोस में, चेंज हो जाएगा कोस ए का स्क्वायर बनेगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे 1 बनेंगे, और 1 और 1 क्या होगा 2 आ गया, क्या आ गया 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पीछे तुम्हारा क्वेश्चन आराम से कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ क्षेत्र में, देखो क्या कहता है, ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, इसमें क्या कहता है बी इज इक्वल टू बी से रखा हमें बी, तो एंगल बी के सामने वाली ये साइड बी है, इधर रखा बी से, सी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है सी होती है, तो सी इधर रखा हमें 21, ये ए के सामने वाले क्या हो गए ए, ये ए हो गए, तो हमें ए निकालना है, क्या निकालना है हमें ए निकालना है, और हमें एक चीज़ और रखे क्या साइन ए को लेकर रखे हमें 3/5। ठीक है, तो करें स्टार्ट, साइन ए से कोस ए निकाल लूँ मैं, कोस ए क्या होता है पता नहीं होता, साइन ए की 3/5 रखते हैं, तो क्या 1 - 9/25। ठीक है, 25 में क्या 9, 16/25 4/5, ये ले लें। अच्छा पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव पॉजिटिव दो आंसर आएंगे यहाँ से, तो लेकिन हमने पॉजिटिव क्यों लिया क्योंकि ट्रायंगल में सारे एंगल 90 से कम है। ठीक है, इसलिए क्या होगा 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे एक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर कोस ऑफ ए आ गया कितना 4/5, कोस ए की वैल्यू क्या होता है कोसाइन फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये 4/5 हो जाएगा, मैंने कोस ए का लगा दिया फॉर्मूला, बी दे रखें 20, तो रखें 20, 20 का स्क्वायर 400, सी दे रखेंगे 21, 21 का स्क्वायर 441, ये ए स्क्वायर में निकालना है 2 × b, बी की जगह क्या है 20, सी जगह क्या है यहाँ पर 21, 4/5। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 841 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 4/5, ये सब ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्या होता है 8 + 16 = 32, 32 × 21, हाँ भाई 21 × 42 बच गए 4, 63 + 4 = 67 है, ये आ गया ए स्क्वायर, क्या होगा इसको तो लेंगे लो। ठीक है, घटाओ 9 बच गया और 13 = 169 बच गया, तो ए स्क्वायर बराबर 169, तो ए किलो क्या आ गया 13 तो आएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो ए किलो क्या आ गया यहाँ पे 13 सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 76 क्वेश्चन, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन 77। ठीक है, लास्ट क्या है 77 देखो, क्या कहता है कोस ऑफ ए अपॉन ए, कोस ऑफ बी अपॉन बी एंड कोस ऑफ सी अपॉन सी, ये हमें इक्वल दे रखें। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, तो कहता है बताओ जो ट्रायंगल होगी ना वो क्या होगी, ए बी सी जो ट्रायंगल हो किस टाइप के ट्रायंगल होगी ये बता देंगे, एंगल निकालने ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा है, और हमें एक फॉर्मूला पता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन से अपन सी भी होता है, ये होता है साइन फार्मूला, ये दे रखा है, ये साइन फार्मूला से हमें पता है, चलो पता नहीं पता, तो इन दोनों को जरा देखें, इससे कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा कोस बटे साइन क्या होगा कोट ए, ऐसे ही कट जाएगा, इसको करेंगे इससे डिवाइड तो क्या होगा यहाँ पे कोट बी आएगा, इसको करेंगे इससे डिवाइड क्या होगा कोट सी आएगा। किसी ट्रायंगल में अगर कोट ऑफ ए, कोट ऑफ बी और कोट ऑफ सी इक्वल है तो इसमें क्या हो गया ए बी सी सारे कहेंगे इक्वल होंगे, तो यानी क्या हो गया जब तीनों एंगल ट्रायंगल के जब सेम होते हैं तो ट्रायंगल क्या होती है आइसोसेल ट्रायंगल, ना सॉरी
इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 60 डिग्री। तो आप इसे 60 डिग्री कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 77th क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से और इस तरह से आप 70 कर दोगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो अब आप नहीं कर सकते हो। आराम से सारे सारे क्वेश्चन कर दोगे। मैंने सारे सारे करवा दिए हैं, ठीक है। कोई एक आधा बच गया हो तो देख लेना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जूम क्लासेस में हम जब काम करते हैं तो जूम क्लासेस में आप जितना भी आप क्या नाम इसका काम कर रहे हो वो आपको उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे सारे क्वेश्चन करा दिए। मैं एक बार और देख लेता हूँ कोई व्हाट्स वगैरह में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो। एक ये मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखी, ये भी आप कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, आप कर लोगे आराम से। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। पीछे के कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए होंगे, एक आधा तुम्हारे लिए छोटा हो, इनको भी करना। अगर ना आए तो मुझसे पूछना, लेकिन आपने करने सारे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने जो आपको नहीं आता, तो इसलिए आपने सारे सारे क्वेश्चन करने बड़े तरीके से। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने सारा सारा करवा दिया है। अब मैं आपको फोर्थ चैप्टर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे हम, तो वो बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से करेंगे। एक एक्सरसाइज इसके अंदर, इस फोर्थ में क्या एक एक्सरसाइज है बस, ठीक है। और एक एक्सरसाइज को हम बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट ख़त्म हो जाएगा और हम ईजिली इसको फिनिश कर देंगे। आज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये वाला देखो, ये वाला तो फॉर्मूला है। ये फोर्थ एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन दे रखा है हमें स्पेशल, जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला उसमें दे रखा है। तो ये फॉर्मूला आप वहाँ से भी मतलब देख सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ जब आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे अगली एक्सरसाइज में, आते हैं सब फोर्थ चैप्टर करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो फोर्थ है ना, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इसका नाम है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्या इसकी शॉर्ट फॉर्म है? PMI, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो सारे हो। अब इसमें क्या है, ये क्या है PMI? क्या होता है? एक मेथड होता है, ठीक है। ये क्या एक मेथड है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि कोई संख्या सही है कि नहीं। जैसे मान लो हमने कोई दे रखा है, प्रूव करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो कोई चीज़ प्रूव करनी हो, या हमें ये कहते हैं कि बताओ ये जो नंबर है ये इस फलाने नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। या ये कहते हैं प्रूव करोगे ये संख्या इससे बड़ी है हमेशा के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ना, उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है? PMI है, ठीक है। तो PMI मेथड को यूज़ कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका होता है, वेरिफिकेशन का एक तरीका होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए तीन स्टेप होते हैं PMI के, ठीक है। PMI के तीन स्टेप होते हैं वेरिफिकेशन के। पहला स्टेप क्या है? पुट n इक्वल टू 1, जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 रखेंगे। मतलब जिस क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको n दिख जाए वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर टू, टू में हम क्या करेंगे? जो भी हमने प्रूव करना है उसको मानेंगे। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जिसको हमने प्रूव करना है ना कि भाई ये सही है गलत है, वो चेक कर रहे हैं। तो उसमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? मान लेंगे जो भी चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे वो बिल्कुल सही है, अगर n की वैल्यू k रखेंगे तो। और जो थर्ड स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे n की जगह k प्लस 1, क्या करेंगे? n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे। थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप का यूज़ करना है। तो थर्ड स्टेप अगर सेकंड स्टेप का यूज़ करके अगर थर्ड स्टेप वेरीफाई हो गया, ट्रू हो गया, सही साबित कर दिया हमने, तो हमें पता चल जाएगा क्या कि हम फिर आराम से कह देंगे कि सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, थर्ड इसका यूज़ करके ये प्रूव हो ही गया था। और जब तीनों स्टेप वेरीफाई हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि बिल्कुल सही है, जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है वो। अगर ये तीनों स्टेप वेरीफाई नहीं होते, इनमें से एक भी स्टेप अगर वेरीफाई नहीं होगा, तो हम क्या कह देंगे? बोलो जो प्रूव करना चाह रहे वो बिल्कुल गलत है, वो होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली जो है ना, ये टॉपिक है, ये आपको करना है।
अब मैंने आपको सिर्फ वैसे बताया, जुबानी बताया है, जब हम इसको करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ना, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या करना है, आज यही करना है, ठीक है। कल से शुरू करेंगे, कल से हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको, अच्छा चलो कल से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो कल से हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, 4.1 करेंगे। आज सिर्फ इतना कर लो, ठीक है, आज इतना काम करना है।